वेलकम बैक ऑन माई चैनल कॉमर्स विथ मी। आज इस वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी कंपनी लो के। बी कॉम सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है ये बी ए डी एम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी, ठीक है। तो आज इसमें आपको बताती हूँ, राजस्थान यूनिवर्सिटी में 5 यूनिट होती है, हर यूनिट में से आपको एक एक क्वेश्चन करना होता है। तो अब यूनिट वाइज में क्वेश्चंस बताऊंगी। अब यूनिट नंबर फर्स्ट की बात की जाती है, यूनिट नंबर फर्स्ट में आपको चैप्टर्स मिलते हैं कंपनी, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी, प्राइवेट कंपनी और 1% कंपनी। इन चारों चैप्टर में से आप कोई भी 2 चैप्टर अच्छी तरह कर लीजिए, आपको एक क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। फिर भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देती हूँ कि आप कौन से क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। पहला बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय परपेचुअल सक्सेशन ऑफ अ कंपनी। दूसरा बनता है आपका कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है, इसमें डिफरेंस बताइए। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने लिख दिया है, ठीक है। और यूनिट नंबर सेकंड की बात की जाए तो यूनिट नंबर सेकंड में आपके 2-3 चैप्टर आते हैं। पहला आता है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कि कंपनी कैसे फॉर्म की जाती है, मेमोरेंडम कैसे बनाया जाता है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैसे बनाया जाता है। तो मैं आपको यही बोलूँगी, आप प्लीज़ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वाला चैप्टर बहुत अच्छे से कर लीजिए, आपको 1 क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा। इसके अलावा भी आपको 2 क्वेश्चन ही ज़रूर करना है। पहला क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी प्रमोटर क्या होता है, इसके राइट्स ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज़ बताइए। दूसरा आपको बनता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, उसे डिफाइन करिए और उसके कंटेंट्स क्या होते हैं वो बताइए, ठीक है। अब यूनिट नंबर 3 की बात की जाती है, यूनिट नंबर 3 में आपका चैप्टर्स आते हैं प्रोस्पेक्टस, शेयर कैपिटल, टाइप ऑफ शेयर्स, डिबेंचर और शेयर होल्डर एंड मेंबर्स, प्रोविजन ऑफ डिविडेंड। इनमें से भी जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं बताती हूँ आपको। 2 क्वेश्चन बनते हैं जो आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। पहला बनता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोस्पेक्टस ऑफ अ कंपनी, व्हाट पर्टिकुलर आर गिवन इन अ कंपनी प्रोस्पेक्टस एक्सप्लेन। दूसरा बनता है, हाउ इज द मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी एक्वायर एंड इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस एंड कौन से सर्कमस्टेंसेस में डज इट सीज, ठीक है। अब यूनिट नंबर 4 की बात की जाए तो यूनिट नंबर 4 में मैं बोलूँगी आप प्लीज़ डायरेक्टर वाला चैप्टर ज़रूर करना, क्योंकि मैं उसी चैप्टर से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है। मैंने पहला बताया है कि ड्यूटीज़ लाइबिलिटीज़ बताइए डायरेक्टर की, ठीक है। दूसरा बताया है कि आप डायरेक्टर कैसे अपॉइंट कर सकते हैं, रिमूव और उसे कैसे हटा सकते हो कंपनी से, इसका प्रोसेस क्या होता है वो आपको बताना है, क्योंकि डायरेक्टर से क्वेश्चन लगभग पूछता ही है, इसलिए मैं डायरेक्टर का ही बताया है मैंने इसमें इंपॉर्टेंट, और बाकी के चैप्टर्स का मैंने नहीं बताया है। तो प्लीज़ पूरा इसके ऊपर डिपेंड होकर मत जाना, आप एक्स्ट्रा भी करके जाना। यूनिट नंबर 5 की बात की जाए तो इसमें कंपनी सेक्रेटरी आता है, कॉल्स आता है, फॉरफिटेड आता है, डिविडेंड आता है और ट्रांसफ़र आता है। इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा कि आपको ज़रूर आएगा अगर आप पढ़ के भी नहीं जाओगे, क्योंकि इसमें हमेशा ज़्यादातर क्या पूछते हैं कि शेयर क्या होता है, किस टाइप के शेयर्स होते हैं, डिविडेंड क्या होता है, कॉल्स क्या होता है, ये आपको आपने प्रीवियस ईयर के क्लासेस में आपने पढ़ा है। तो इसके अलावा आपको क्या करके जाना है, कंपनी सेक्रेटरीज की ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज करके जानी है, जो मैंने यूट्यूब चैनल पे डाल दी है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। फिर भी इससे रिलेटेड सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी वीडियो है उसका लिंक मैं आपको ऊपर दे दूँगी, आप उन्हें ज़रूर करके जाइए, आपको आपका पेपर ईजिली आप पास हो जाओगे, ठीक है। तो और लास्ट में बस मैं यही बोलूँगी कि अगर आपको पास होना है तो आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने चाहिए। तो यूनिट नंबर 2 में जो मैंने आपको मेमोरेंडम एंड एसोसिएशन बताया था वो ज़रूर करना, और यूनिट नंबर 1 आप अपनी तरफ से बहुत अच्छे से करके जाना, ये 2 क्वेश्चन अच्छे से ज़रूर करके जाना, आप पास ज़रूर हो जाओगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।